शहर में एक बार फिर चोरों का तांडव देखने को मिला है। बीती रात छतरपुर के 3 घरों से चोरों ने ताले तोड़कर संपत्ति चोरी कर ली। शहर के नौगांव रोड क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल के पिछले हिस्से में इन 3 घरों से चोरी की कोशिश की गई, हालांकि 2 लोगों ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल एक मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिस घर में चोरी हुई है वो घर छतरपुर के पूर्व आरटीओ और डिप्टी कमिश्नर पद से रिटायर हुए अजय गुप्ता का है। जानकारी के मुताबिक क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल छतरपुर के बगल में कुछ घरों में बीती रात चोर घुस गए। यहां से कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें चोर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में चोरों ने अपना चेहरा ढक रखा है। वे कई घरों में झांकते हुए खाली घरों में घुसते रहे। उन्होंने सबसे पहले यहां मौजूद पूर्व आरटीओ अजय गुप्ता के घर को निशाना बनाया। बताया गया है कि उनके घर में उनकी लाइसेंसी पिस्टल, शराब की बोतलें और जेवर आदि रखे थे। एक अन्य वीडियो में उक्त 3 चोर हाथों में शराब की बोतल ले जाते हुए भी दिख रहे हैं। इस घर से निकलने के बाद चोरों ने यहां रहने वाले गोविंद साहू और मोनू खान के घर को भी निशाना बनाया। हालांकि इन दोनों ने फिलहाल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। चोरी की खबर मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी FSL की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड ने यहां से वैज्ञानिक सबूत इकट्ठे किए, फिंगरप्रिंट भी लिए गए। TI अरविंद दांगी का कहना है कि आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम गठित की गई है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट CAJ गुप्ता जी, जो पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर थे, इनके सोने घर में रात्रि में चोरी घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस विश्लेषण कर रही है। अभी वो रास्ते में भोपाल से आ रहे हैं, आने के बाद देख के बता पाएंगे क्या क्या चोरी सामान गया हुआ है। बंदूक वगैरह गई है, लाइसेंस ही क्या हुआ? नहीं, राइफल की रखी हुई है, अन्य कोई सामान वगैरह इसके संबंध में देख के बता पाएंगे।